एक्नॉलेज मी। बात करेंगे कल की मंडे नाइट रॉक के बारे में, क्या कुछ चीजें दिखाई दे सकती है। तो गाइस यहाँ पर से पहले हमें ये चीज दिखाई देगी कि गाइस बियांका बेलेर के लिए क्या नेक्स्ट है एंड उनके लिए कौन अपोनेंट है। तो देखते हैं क्या कौन सी रिटर्न वगैरह होती या फिर कोई मेन रोस्टर की सुपरस्टार चैलेंज करती है। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर से वेमेंस डिवीजन में बेकी लिंच एंड बिया आस्का की जो स्टोरी लाइन है वो जो स्टार्ट हो गई है वो भी और स्टिल कंटिन्यू होगी। एंड यहाँ पर से देखते आगे जाकर इनका कब मैच वगैरह सेटअप होता है। एंड गाइस यहाँ पर से हमें मिस टीवी एंड मतलब द मिस एंड अपने ऑस्टिन थ्योरी एंड मुस्तफ़ा अली के बीच भी कुछ चीज़ें दिखाई दे सकती है। एंड देखते क्या अली को चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल पाती या फिर नहीं। एंड गाइस यहाँ पर से एक और बड़ी चीज़ हो गई है कि गाइस एच के फैक्शन को रिया रिपली ने ज्वाइन किया है। एंड गाइस यहाँ पर से जब एज साइज हार गए तो गाइस क्या नेक्स्ट है जजमेंट डे के लिए, क्या फिर एक बार रीमैच मांगते अपने स्टार्स एंड फिन बैलर की भी रिगार्डिंग क्या चीज़ है ये देखने वाली बात है। एंड शो के ऊपर गाइस रोमन रेंस तो फिलहाल एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या उनकी कोई प्लान्स वगैरह हैं। एंड गाइस एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर से हमें दिखाई देगी कि गाइस कोडी रोड्स एंड रॉलर्स के बीच अब क्या चीज़ है, लेकिन क्या अब ये और आगे जाएगी स्टोर लाइन। वैसे गाइस रोल अप के चलते जीत हुई है एंड जो टाइट्स पकड़ ली थी, तो मेरे ख्याल से रॉलेंस में भी रीमैच मांग सकते हैं। तो देखते क्या चीज़ें होती, लेकिन ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एंड आज की वीडियो बस इतनी सी थी। एंड लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं मांगता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।